गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, मोटिवेशनल वीडियो को आपने इतना लाइक किया, इतना प्यार दिया, आर्ट ऑफ राइटिंग के बारे में कि किस तरह से एप्लीकेशन और लेटर को इजीली आप लिख सकते हैं, इसी के बारे में अब हम चलेंगे स्टेप बाई स्टेप। आज हम एप्लीकेशन या लेटर की बात करेंगे। लेटर लिखता जाता है आपके एडिटर को, लेटर लिखा जा सकता है आपके स्कूल के प्रिंसिपल को, लेटर लिखा जा सकता है पोस्ट मास्टर को। लेटर और एप्लीकेशन एक ही चीज़ होती है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर एप्लीकेशन नाम आ जाता है तो इसका मतलब ये है, जब एप्लीकेशन नाम आ गया तो ऊपर आप अपना जो सेल्फ एड्रेस है वो नहीं लिखते और लेटर लिख देते हैं। फॉर्मेट वो का वो है, चाहे आप एडिटर को लिख रहे हो, चाहे प्रिंसिपल को लिख रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो किसी पोस्ट मास्टर को, कलेक्टर को, एक्स वाई जेड, आप किसी को भी लेटर लिखते हो, फॉर्मेट जो है वो सेम रहता है ऑफिशियल लेटर का कि इस तरीके से लिखना है। और सिर्फ एक जो फॉर्मल लेटर होता है, आप माता पिता को लिखते हो, अपने फ्रेंड को लिखते हो, उससे थोड़ा सा इसका डिफरेंस है। एक तो थोड़ा सा जो वर्डिंग्स है उसका डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप ये मानो हमने दो क्वेश्चन पैरेलल लिखे हैं, एकदम बराबर हमने दो क्वेश्चन लिखे हैं, आपको डिफरेंस समझ में आए, राइट एन एप्लीकेशन और लेटर टू हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक लेटर लिखना, दोनों एक ही चीज़ में लिखा जाएगा, उनमें जो फ़र्क है वो बता देंगे कि ये फ़र्क आप बढ़ा देना, इतनी सी चीज़ बढ़ा देना तो एप्लीकेशन लेटर हो जाएगा, नहीं तो फिर एप्लीकेशन तो है ही। अबाउट कंप्लेनिंग, कंप्लेन ऑफ इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर की कंप्लेन करनी है और किस बारे में करनी है, किस इनकम्प्लीट सिलेबस, अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इंग्लिश वाला की कंप्लेन तो मीन टॉपर घना ही करेगा। राइट लेटर टू एडिटर ऑफ योर लोकल डेली अबाउट वाटर स्कार्सिटी इन योर एरिया, ये आपको दिया है टॉपिक, ये ऑलमोस्ट 10th 12th क्लास के लेवल पे ये टॉपिक आ जाते हैं, वाटर स्कार्सिटी। सबसे पहली बात तो किसी को ये मान लो आपको पता भी नहीं है कि वाटर स्कार्सिटी है क्या, ठीक है, लेकिन इतना है कि आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम तो है। वाटर, इलेक्ट्रिक, ये चीज अगर आ जाती है, सैनिटेशन, तो इसका मतलब है प्रॉब्लम तो है, तो एडिटर को लेटर लिख रहे हो। तो लेटर टू एडिटर ऑफ, अब ये एडिटर ऑफ योर लोकल डेली अबाउट वाटर स्कर्सिटी इन योर एरिया। अब ये देखेंगे, पहले इधर वाले को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उधर वाले को करेंगे कंप्लीट, उसके बाद में ये देखेंगे दोनों में डिफरेंस रहता है क्या, ढंग से देखेंगे और एक एक वर्ड को अगर पकड़ेंगे तो मेरी गारंटी है, अगर आपको बिल्कुल भी लेटर लिखना नहीं आता तो भी गलती होने का चांस नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपको लिखना है लेटर, लेटर लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ एड्रेस ऑन लेफ्ट टॉप। यहाँ पर सेल्फ एड्रेस अगर आपको दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो एक बहुत ही सोखी सी स्पेलिंग होती है गांधी, गांधी और एक है इजी स्पेलिंग कॉलोनी, ये लिख सकते हो गांधी कॉलोनी, जयपुर लिखना सबको आता है, ओके। और एक हाउस नंबर हुआ करता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो 214/62, ठीक है, ये आप किसी भी लेटर के अंदर ये चीज लिख सकते हो। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे एप्लीकेशन या लेटर टू हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। अब हेडमास्टर को लेटर लिख रहे हो, अब लेटर लिखोगे तो अपने घर से लिखोगे भाई साहब, ऑफिस में जाके उसको बाई हैंड नहीं दोगे, और जब लेटर लिखोगे तो इसके अंदर भी आप लिखोगे 214/62 गांधी कॉलोनी जयपुर, ये हो गया जी आपका एड्रेस, राइट। लेटर लिख रहे हो ना तो यहां पर डेट डालेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे, अभी हम लेटर को लेके चल रहे हैं, अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं इस फॉर्मेट को, फिर इसके अंदर से कितना हम हटा दें कि वही लेटर एप्लीकेशन बन जाए, राइट। तो डेट, डेट लगा देंगे, जो भी डेट है 26th December 2022, ठीक है। अब द, जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका लिखेंगे द हेडमास्टर रास बिहारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई भी नाम लिख सकते हो आप, गुलाबपुरा जयपुर। अगर ये पूरा धुरा आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप सेक्टर 4 सेक्टर 8 सेक्टर 9 इस तरह से करके कुछ भी लिख सकते हो ना। पहली बात तो एड्रेस आपको दिया हुआ होता है कि यहाँ के स्कूल पे लेटर लिखना है, अगर नहीं भी दिया होता तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ये लिखने के बाद में अभी आप लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, किस तरीके से लिखेंगे। देखो सब्जेक्ट जो अबाउट होता है ना, अबाउट, अबाउट के आगे ऑलमोस्ट आपका सब्जेक्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन में, अबाउट या फोर है ना, एप्लीकेशन फोर या एप्लीकेशन, तो उस अबाउट वाला आपका सब्जेक्ट है, अबाउट यहां पे आ गया, तो अबाउट के आगे क्या है, कंप्लेन ऑफ इंग्लिश टीचर इनकम्प्लीट सिलेबस, इसमें क्या लिखेंगे आप,
सब्जेक्ट यही लिखेंगे, कंप्लेनिंग अबाउट का इनकम्प्लीट सिलेबस लिख दो, या इंग्लिश टीचर कोई कुछ भी लिख दो, सीधा सीधा लिख दो कंप्लेनिंग अबाउट इंग्लिश टीचर, ये लिख दो और अंडरलाइन कर दो सब्जेक्ट को, अंडरलाइन कर ही दिया करो सब्जेक्ट को। तो ये लिखने के बाद में सर, ये लिखेंगे सर विद ग्रेट रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। देखो हमें फाइट करना है वर्ड लिमिट के साथ, विद ग्रेट रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आपको ये बताना चाहता हूं भाई साहब आपने अच्छे से लिखा है, रेस्पेक्ट भी शो किया है और 15 वर्ड्स भी आपके पूरे हो चुके हैं। यहां पर एप्लीकेशन आपकी जो आती है वो ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स से ऊपर की तो आती ही नहीं है, ऑलमोस्ट 80-85 आती है, जिसमें से ये सारा जो है ना ढांचा मिला करके और आपने ऑलमोस्ट 35 कंप्लीट कर चुके हैं आप। विद ग्रेट रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर क्लास, राइट। अभी क्या लिखेंगे, ये रट्टा मार लेना, आई वॉन्ट टू, स्पेलिंग बड़ी इजी इजी है, हर एप्लीकेशन में लिख सकते हो, ब्रिंग इन टू योर काइंड नॉलेज दैट आवर इंग्लिश, इंग्लिश का ई कैपिटल कर लेना, लैंग्वेज है नाम है, नॉलेज दैट आवर इंग्लिश टीचर is not regular and our, उसने दो दो बातें की है ना, उनको पहले लिख दो, syllabus is incomplete। ये ना रहे कि आपको कुछ चीज रह जाए, उसने जो दो बातें कही है ना कि इंग्लिश टीचर की कंप्लेन करो इनकम्प्लीट सिलेबस है, इनको पहले लिख दो, कैसे, इंग्लिश टीचर इज नॉट रेगुलर एंड ओवर सिलेबस इज नॉट, सॉरी नॉट कंप्लीट या इज इनकम्प्लीट, कुछ भी लिख सकते हो, इज इनकम्प्लीट भी लिख सकते हो, है ना, आवर सिलेबस इज इनकम्प्लीट और एग्जाम्स आर वेरी nearby so we want to complete the syllabus before completion of this month, kindly arrange another teacher for us or instruct the teacher to be regular, students of class 10th will be grateful to you।
थैंकिंग यू। योर्स सिंसियरली राम निवास, रोल नंबर 1027। क्लास टेंथ आपने ऊपर बता ही दिया है, राइट? स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ विल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंकिंग यू। ये जी आपकी एप्लीकेशन हो गई कंप्लीट। अब कह सर ये लेटर लिया कह रहे थे, बिल्कुल लेटर, हाँ जी बिल्कुल एप्लीकेशन। अब ये लेटर है, एप्लीकेशन नहीं है। जब इसको एप्लीकेशन बनाना है ना कि आपने स्कूल में जाके ऑन टेबल पकड़ानी है, तो भाई साहब इस चीज़ को कर देना गायब है, लेटर एप्लीकेशन बन जाएगा यही सेम वर्डिंग्स के साथ में। इस चीज़ को आप यहाँ से गायब कर देना, ये सेम और ये सिर्फ नीचे वाली जो है ये आपकी एप्लीकेशन रह जाएगी, और ये जो डेट है ना इसको चाहे तो यहाँ लगा देना, ठीक है। अगर यहाँ नहीं लगाना चाहते तो आप एप्लीकेशन के अंदर नीचे भी डेट लिख सकते हो, यहाँ कहीं भी लिख देना चाहिए चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप कहीं भी डेट लिख सकते हो। द हेडमास्टर रास बिहारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुलाबपुरा जयपुर, ये नाम आपको दिया हुआ मिल जाता है, कंप्लेंट सब्जेक्ट आपको दिया हुआ मिलता है, करना क्या है साहब? सर विद ग्रेट रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। अब मैं कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करूंगा, क्यों करूंगा ये भी आपकी समझ में आ जाएगा क्यों करूंगा। वो एक बार जस्ट गौर से देखते जाइए, आप स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, स्कूल को अंडरलाइन कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू योर काइंड नॉलेज दैट आवर इंग्लिश टीचर इज नॉट रेगुलर एंड आवर सिलेबस इज इनकम्प्लीट, राइट? आवर एग्जाम्स आर वेरी नियर बाई, सो वी वॉन्ट टू कंप्लीट द सिलेबस बिफोर कंप्लीशन ऑफ दिस मंथ काइंडली। अब ये जो कंप्लीशन है ना, इसकी जगह अगर नहीं समझ में आ रहा स्पेलिंग तो एंड ऑफ दिस मंथ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड ऑफ दिस मंथ काइंडली अरेंज अनदर टीचर फॉर एस और इंस्ट्रक्ट द टीचर टू बी रेगुलर, या इंस्ट्रक्ट जो है ना थोड़ा सा वजनदार शब्द है, इसकी जगह आप से भी लिख सकते हो, और से द टीचर टू बी रेगुलर, या टीचर को कहो कि रेगुलर हो जाए, काम चल जाएगा। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th विल बी ग्रेटफुल टू यू, ये थैंकिंग यू डेट ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि देखो यहाँ से इसको अगर आप निकाल देते हो तो ये एप्लीकेशन है, ये ऊपर डाल देते हो तो ये लेटर है, सेम है, कोई फर्क नहीं है। प्रिंसिपल को लेटर लिखा है, प्रॉब्लम तो वही है ना जिसके लिए लिखा है, सो ये आपने लिख दिया। अब कहते हैं कि एडिटर को लेटर लिखिए, भाई साहब एडिटर को लिखिए कि सर आप कह रहे थे वर्डिंग्स बिल्कुल सेम सी होती है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बिल्कुल होती है। देखिए जो अच्छी अच्छी वर्डिंग्स है ना वो बिल्कुल सेम निकल के आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसा का वैसा फॉर्मेट रहेगा, सेम का बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहेगा, वो का वो रखेंगे अपने, कुछ नहीं बदलेंगे, देखते जाओ आप। गांधी कॉलोनी जयपुर, डेट तक नहीं बदलेंगे, वो की वो रखनी है, देखते जाओ आप। दिसंबर 2022 है क्या एडिटर ऑफ लोकल, तो लिख दो द एडिटर। अब कहते हैं लोकल अखबार का नाम नहीं दे रखा सर, जो लोकल डेली दिया हुआ होता है ना तो इसमें आपको एक नाम मिल जाता है, चाहे तो आप लोकल टाइम्स लिख दो चाहे डेली टाइम्स लिख दो, ठीक है ना। और लोकल है इसका मतलब जो एड्रेस दिया वहीं का लिखो आप, लोकल टाइम्स जयपुर। और नाम अगर दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो वहां अगर लोकल और डेली दोनों ही नाम ही तो है, डेली एक्सप्रेस लिख दो, लोकल टाइम्स लिख दो चल जाएगा, डेली टाइम्स लिख दो वो भी चल जाएगा, राइट। अब इसके बाद में आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट अबाउट के बाद होता है वाटर स्कार्सिटी इन योर एरिया है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज कर लेना, योर को माई करो तो कर देना, नहीं तो सीधा है वाटर स्कार्सिटी इन सिटी लिख देना, ठीक है। तो वाटर स्कार्सिटी इन आवर एरिया, या इसको साथ में मिला लो पत्रकार को कि भाई साहब एरिया सिर्फ मेरा नहीं तेरा भी तो है, सोच क्या लिखेंगे सर। अब यहां तक देख लो कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है ना, सब्जेक्ट तक आ गया सेम। अब देखो विद ग्रेट रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, ये चीज इसमें भी आप लिख सकते हो, विद ग्रेट रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट
आई एम ए। अब यहां पे देखो स्टूडेंट था, स्कूल का स्टूडेंट होता है, शहर का क्या सिटीजन होता है या रेजिडेंट होता है, तो लिखेंगे सिटीजन या रेजिडेंट ऑफ जयपुर। ठीक है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू योर काइंड नॉलेज, सेम रहेगा। आई वॉन्ट टू bring into your kind knowledge that तक देखो सेम है। यहां पे इसने कहा था our English teacher, वो प्रॉब्लम थी एप्लीकेशन के अंदर। यहां पे क्या है, वाटर स्कार्सिटी है, that there is, प्रॉब्लम तो है तभी तो अखबार में लिख रहे हैं, और आपको पता भी नहीं है कि वाटर स्कार्सिटी क्या होती है। वी डोंट नो अबाउट द वाटर स्कार्सिटी, सीधा लिखना है इनटू योर काइंड नॉलेज दैट देयर इज प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन आवर एरिया, वाटर स्कार्सिटी इन आवर एरिया। ठीक है, ये लिख दिया है। अब इसके बाद में क्या है, ये तो एग्जाम के बारे में लिखा था यहां पे, तो अब वाटर में एग्जाम नहीं है, पर जैसे आपका स्टार्टिंग है, देखिए आप बिल्कुल एकदम सेम स्टार्टिंग है, दोनों को आप देख लीजिए, यही एप्लीकेशन है आपकी, यही लेटर है, और यही यहां पे हम लिख रहे हैं, राइट। विद ग्रेट रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम ए सिटीजन ऑफ जयपुर, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू योर काइंड नॉलेज दैट देर इज प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी। हालांकि आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता है यार ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम पत्रकार को लिख रहे हैं, आपने लिख दिया प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, जबकि आप अनजान हैं बिल्कुल। आपको मैं उस लेवल पर आके लिख रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं है वाटर स्कार्सिटी क्या होती है, राइट। ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन आवर एरिया पीपल आर suffering with this problem, ये देखो एक बार ये problem फिर हम use कर रहे हैं, into your kind knowledge there is problem of water scarcity, people are suffering with this problem in a bad manner, यानी बुरी तरह जो है इस समस्या से हमारे जो लोग हैं वो प्रभावित हुए खड़े हैं। पीपल आर सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम इन ए बैड मैनर, राइट। अब लिखेंगे, थोड़ा सा लेटर है तो थोड़ा पैराग्राफ चेंज कर देते हैं ना, थोड़ी शक्ल उसकी फूट रही आ जाती है ना, और प्रथम दृष्टया सबसे पहला इंप्रेशन क्या होता है शक्ल का, हाँ, तो थोड़ा सा आप चेंज कर दो प्रॉब्लम इन ए बैड मैनर, यहां पर लिखेंगे थ्रू। अब देखो अगले के अखबार में हमें लिखवाना है तो अगले की बढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अखबार की कॉपी हो सके उसकी 5 ही बिकती हो, कोई दिक्कत नहीं है कि उसकी 20 बिके 500, फिर भी कहना तो पड़ेगा भाई तू ही है, तू ही थ्रू एस्टीम्ड, ये अखबार वाले के लिए रट्टा मार लेना, एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर फेमस कर दो उसको, फेमस न्यूज पेपर उसको ये कह दो, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ तो रहा है क्या बोर्ड सही, अब आ रहा है इधर वाला है ना, ओके। तो थ्रू एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज पेपर I want to send my voice to administration and government। अब समस्या है और एरिए की समस्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन या जो है इसकी जगह अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपके नहीं समझ में आए ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, उस वर्ड का आप कह लोगे ऑफिशियल्स, ये कह सकते हो आप कि मैं अधिकारियों तक
और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं पल्ले पड़ रहा तो ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स लिख सकते हो कि अधिकारियों और मंत्रियों तक बात पहुंचाना चाहता हूं, बिकॉज वी आर फाइटिंग विद द वर्ड लिमिट नॉट विद द एग्जामिनर। हमारी वर्ड लिमिट ही पूरी नहीं हो रही तो एग्जामिनर तो बाद में आएगा। खैर ये अच्छे शब्द हैं, इनमें कोई भी शब्द बुरा नहीं है, और यहाँ तक कि इस लेवल पे मैंने लिखा है कि मुझे पता ही नहीं है वाटर स्कार्सिटी होती क्या है। ये मान लो थ्रू एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, और एस्टीम्ड कॉलम अगर भूल जाते हो ना तो सिर ना कुछ रही हो क्या यार, भूल क्या यार के याद करो। चलो थ्रू योर फेमस न्यूज़पेपर सीधा भी लिख सकते हो, आपका जो है इसको आप अगर बाई चांस भूल जाते हो, मान लो एस्टीम्ड भूल गए ना, तो एस्टीम्ड कॉलम ऑफ इसको पूरे के पूरे को आप खा सकते हो, सीधा का सीधा लिख सकते हो थ्रू योर फेमस न्यूज़पेपर आई वांट टू सेंड माय वॉइस। वॉइस तो याद रह जाएगा, मैं अपनी आवाज़ भेजना चाहता हूँ, कहाँ तक भेजना चाहता हूँ, ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अबाउट दिस प्रॉब्लम या अबाउट वाटर, वही लिख दो वापस, वाटर स्कार्सिटी इन आवर एरिया। आई वांट द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड एज, देखो कितना इजी इजी वर्ड है, एज अर्ली एज पॉसिबल, इजी भी हैं और वजनदार भी हैं, मतलब गलती होने का चांस नहीं है। वर्ल्ड लिमिट अपने को पूरी करनी है, वो अपनी पूरी हो जाएगी। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम ए सिटीजन ऑफ जयपुर, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू योर काइंड नॉलेज दैट देर इज प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन आवर एरिया, पीपल आर सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम इन ए बैड मैनर थ्रू एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड कॉलम मान लो भूल गया तो एस्टीम्ड कॉलम ना छोड़ दो, सीधो लिख दो थ्रू योर फेमस न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू सेंड माई वॉइस टू ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट लिख दो, या ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट लिख दो, चाहे ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स लिख दो, अबाउट वाटर स्कार्सिटी इन आवर एरिया। ये वाटर स्कार्सिटी यहीं से उठाया हमने, क्वेश्चन के अंदर से लेके चल रहे हैं हम, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं डाल रखा इसके अंदर। वाटर स्कार्सिटी इन आवर एरिया, आई वॉन्ट द प्रॉब्लम टू बी सोल्व एज अर्ली एज पॉसिबल, इतनी सी बात है। ये यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, आई वॉन्ट द प्रॉब्लम टू बी सोल्व एज अर्ली एज पॉसिबल, ये चीज़ यहाँ भी लिख सकते थे, पर यहाँ वर्ड लिमिट पूरी होगी मैंने नहीं लिखा। ये दोनों में आप कॉमन यूज में ले सकते हो, आई वॉन्ट द प्रॉब्लम टू बी सोल्व एज अर्ली एज पॉसिबल, मैं ये चाहता हूं समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो। अब ये कहो आई होप यू विल पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर अबाउट इट, और अबाउट वाटर स्कार्सिटी इन आवर एरिया, ये लिख दो वापस कि हमें आशा है कि आप इसके बारे में छापोगे। ठीक है, और अखबार वाले को इसीलिए तो लिख रहे हो ना कि वो अखबार में छापे और आपकी समस्या का निदान हो, तो आई होप यू विल पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर अबाउट इट, या अबाउट दिस लिख लो, अबाउट दिस प्रॉब्लम, राइट, थोड़ा सा एक वर्ड और बढ़ जाएगा, अबाउट दिस प्रॉब्लम, आई होप यू विल पब्लिश इन योर न्यूज़पेपर अबाउट दिस प्रॉब्लम, इसके बारे में आप छापोगे। अब सारे लोग जो हैं, ऑल पीपल ऑफ एरिया विल बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू यू, कि सारे लोग खुश रहेंगे और आपके आभारी रहेंगे। वही का वो वर्ड है थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, वो के वो शब्द हैं योर्स सिंसियरली चिमनलाल, रेगुलर रीडर लिख दो, मैं आपका डेली का पाठक हूँ, डेली टाइम्स, जो भी आपने लिखा है डेली टाइम्स लिखा है या लोकल टाइम्स लिखा है वो नाम यहाँ पे लिख दो। अब ये योर सिंसियरली है ना, जब ये हटाते हैं ना हम, तब ये योर जो सिंसियरली है ना वो योर ओबीडियंटली हो जाता है, वैसे सिंसियरली भी चल जाएगा, पर जब एप्लीकेशन का फॉर्म हो जाता है वो भी स्कूल वाली ना, तो यहाँ पे एक वर्ड ओबीडियंटली चलता है। अगर आप ओबीडियंटली याद नहीं है ना तो सिंसियरली
लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ओबीडियंटली याद है तो फिर सिंसियरली की जगह लिख देना, अगर लेटर है तो ठीक है। अब आप इन दोनों को एक बार कंपेयर करके देखो कितना इजी है और क्या फर्क है भाई लेटर और एप्लीकेशन में। ऐसे ही माहौल बना रखा है इतने दिनों से कि साहब लेटर को क्या करें एप्लीकेशन का क्या करें। हैं लो इसको अच्छे से चेक कर लो एक बार। हाँ एप्लीकेशन पे फोकस कर रहा हूं मैं, अच्छे से चेक करना पहले। ये लो